सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो डायमंड के बारे में है, फिशिंग का सिग्नल आप लोगों को कैसा मिलता है, फिशिंग का सिंह का शिकार करते हुए सिग्नल, मैं वो भी वीडियो एक छोटा क्लिप रिकॉर्ड करके रखा मैं, जो आप लोगों को ये वीडियो में मिल जाता सिग्नल कैसा आता मच्छी मारे। सो उससे पहले मैं आप लोगों को डायमंड बताना चाह रहा हूँ, जो शिकारियां है वो लोग हाथ मारते कि एक मच्छी को दो मच्छी को डायमंड खराब हो जाता। ये कितना भी अपन फिशिंग करने डायमंड नहीं खराब हो सका, ये कि डायमंड टाइप में मैं आप लोगों को आता हूँ, अपन मेरे हिसाब से मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं आप लोगों को डायमंड बनाना बता रहा हूँ। और सिग्नल भी बताया तो मैं बीच में आप लोग सिग्नल मच्छी का सिग्नल भी आप लोग मच्छी कैसा सिग्नल देती, मैं पानी में शूट करा ऑलरेडी वो आप लोगों को वो भी मैं बताया तू सिग्नल कैसा देती। ये 50 mm का तंगूस है, ये सिंह पे चढ़ा के भी बताता हूँ सिंह पे कैसा चढ़ा लेना। ये 50 mm के तंगूस को ये हिसाब से बराबर 6 से 7 इंच ऐसा ले लेना, 6 से 7 इंच इसको ले लेके ये दो कर लेना ऐसा। ये तो मालूम होगा आप लोगों को, नहीं मालूम है इस जना को बोल रहा हूँ मैं, ये मालूम है तो वाले आप लोग। और एक ट्रिक मैं बोलता हूँ वो डायमंड सीधा नहीं होने का, वो इसमें बताता हूँ, इसमें से दो बार फिरा लेना ऐसा, ये ऐसा ऐसा रख लेके ये घीटी के टाइप में ये एक बार इसमें से ले लेना और एक बार इसमें से ले लेना, दो बार ये दो बार लेके टाइट खींच लेना इसको। ये दो उंगलियां कभी भी दो उंगलियां रहना, दो उंगलियों का गैप रहता है, सीधा रहता है यहां पे डाल के एक उंगली से खींचे तो आगे पीछे डायमंड पलटने का चांस रहता, इसको सा टाइट कर लेना ये हिसाब से, ये सीधा आ जाता ऐसा ऐसा सीधा आ जाता। वो जो ऐसी इसके ऊपर ही शिकार करते, एक मछली मारने के बाद इन्हें सीधा हो जाता ऐसा, उसका डायमंड खराब हो जाता, समझ में नहीं आता इसको क्या करना, यहां पकड़ना ऐसा, ये लास्ट में ऐसा पकड़ के सीधा यहां टाइट पकड़ के इसको नजदीक लेके जाना ऐसा, इसको ऐसा नजदीक लेके जाके यहां दबाना थोड़ा। ये भी बड़ा होगा तुम लोग, और देखो आगे आप लोगों को समझ में आता, ये इधर दबा लेना, ये हिस्सा ये भी इधर दबा लेना ऐसा, ये लाइट लाइट दबा लेने के बाद अपने को बराबर होने का, फिर अपन बाद में भी दबा ले सकते हैं, ये ऐसा हो जाता। इसको अपन लोग और थोड़ा इधर से दबा लेना, ये भी थोड़ा दबा लेना इधर से। अब ये ट्रिक यहीं से मेन, इसको थोड़ा ये हिसाब में बन जाता है, ये हिसाब में बन जाता। अब इसको क्या करना अपन बोले तो, एक अगरबत्ती नहीं तो कुछ भी आप लोगों को कहीं की भी आदत स्मोक करने की आदत है तो आप लोगों के पास माचिस रहती चे, ये मैं इस्तेमाल कर लिया है डायमंड खराब नहीं होने के वास्ते। ये आप लोगों को तो कितने भी शाटा मार लो, आप लोगों कितने भी पत्थर में अटकन दे या मच्छी लगन दे, कितनी भी बड़ी लगन दे, इससे आप लोगों को खराब नहीं होता है डायमंड। इसको अपन क्या करना, नजदीक कर लेके खाली इसको भाप बताना थोड़ा ऐसा पकड़ लेके, इसको नजदीक ज्यादा नहीं लेना, खाली बेंड हो सर का थोड़ा भाप बताना, तो तंबू से एक बार उधर खींच के एक बार इधर खींचता, उसके बाद छोड़ देना, ये ऐसा आया था, उसके बाद इधर का भी एक बार। ये आप लोग कितना भी मार लो टूट जाता, सब समझ रहे करेंगे, नहीं तोड़ता ये, कोई कितनी बड़ी मच्छी मारे तो खींच लेता यहाँ पे थोड़ा, खाली तंगूस बेंड होता ऐसा, इधर ये सेट बेंड होता, इधर भाप लगाए तो ये सेट बेंड होता, बस ये डायमंड रेडी है। अब इसको आप लोग कितना भी खींच लो फिर इन्हें ये पोजिशन पे आकर रुकता, तो मच्छी खाते से टाइम पे कैसा होता, ये सिग्नल है आप लोग देख सकते हैं, कंटिन्यू सिग्नल दे रही है, ये टाइम पे मेरे को हाथ उठाना रहता, सिग्नल है इतना हल्का सिर्फ, यह है सिग्नल, ये ऐसा हो रहा था ना, जो आप लोगों को मैं बता रहा था वो रहू फिश मारने का है। अगर तिलापिया फिश है तो ऐसा ऐसा मारते मारते लंबा खींचती, ऐसा लंबा हो खुद ये डायमंड, ऐसा ऐसा मारते मारते ऐसा लंबा हो खुद हाथ उठाने का रहता अपने को तिलापिया, और बोच्चा तो कंटिन्यू बड़ा मारता ऐसा, पूरा ऐसा नजदीक तक मारता बोच्चा, वो तो कतला ऐसा लंबा मारता। मिरकल रहे तो क्या है, थोड़ा खींचती फिर छोड़ती, थोड़ा खींचती लंबा खींचती, ऐसा
मिरिगल रहे तो आप लोगों को पूरे मैं फिशिंग करते उस टाइम पे वो सिग्नल अभी बता देता हूँ। और भी मैं आप लोगों को और भी ट्रिक्स और टिप्स लाते रहता हूँ इस चैनल पे। चैनल पे नए जो भी है सब्सक्राइब करो, और इसी तरह के रिलेटेड फिशिंग और फिशिंग बाइट वीडियोस और ये ट्रिक्स भी मैं लाते रहता हूँ। ये सिंग है, सिंग को ये नए जनों को नहीं मालूम, इसके हिसाब से आप लोग अगर तुम्हारा तरफ ये बना लेना चाह रहे तो आप लोग बना ले भी सकते हैं आपके दिमाग से कुछ भी करके। नहीं तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में ये काम मिलते क्या है आप लोगों को होम डिलीवरी कर देते हो, वहां से भी आप लोग मंगा ले सकते हैं। ये सामने का हिस्सा तुकमा ही है, ये आप लोगों को नहीं दिखता बोल के मैं जरा बड़ा बनाया है, फिर मैं जो छोटा कर ये जरा छोटा रहना और इसको तुकमा बोलते हैं। यहाँ पे ये लपट के अपन ये हार्ड रस्सी के टाइप में रहता डोर, ये फेविकिक डाल देना था लपट के। ये तुकमे को क्या करना, अपन तुकमे में से इसको लेना, ये डायमंड इसमें कैसा डालना भी पूछ रहे थे बहुत जने, इसको ऐसा पकड़ के ये इसमें से डालना, ऐसा ये इसमें से डाल के ये लास्ट तक लेके जाना, ऐसा ऐसा पकड़ के लास्ट तक लेके जाके ये इसमें से ले लेना है, ये इसमें से फिर इधर ले लेना है, उसमें पीछे से ले लिया बाद में, ये इसमें से फिर इधर ले ले तो ये ऐसा आ जाता है इसमें से। और ये नजदीक आने के टाइम पे इसको ऐसा चीर के रखना है थोड़ा, तो भी इधर खींच लेना अपन, तो ये ऐसा रहता पानी में ऐसा रहेगा, ये सिग्नल आप लोगों को मिलता। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। और भी नए ट्रिक्स और टिप्स मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ, और बाइट्स के वीडियो फिशिंग के वीडियो भी लाते रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।